Hey guys, welcome back to yet another episode of Things That You Don't Know About. माने कि क्या आप जानते हैं? तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी जगह जो एरिया में तो सिर्फ 0.6 किलोमीटर है, पर वो जगह अपने आप में एक कंट्री है, जिसकी एक पार्लियामेंट है, वो भी एक बार में। मतलब वो तो हुई पार्लियामेंट, जहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है इन मोर देन 20 लैंग्वेजेस, इंक्लूडिंग हिंदी एंड संस्कृत। तो आज मैं आपको यूरोप की एक ऐसी कंट्री के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका नाम है रिपब्लिक ऑफ उजुपिस। ये कंट्री यूरोप के ही लिथुएनिया शहर के अंदर है, पर ये साइज में इतनी छोटी है कि कोई इतना इसको सीरियसली नहीं लेता है और इसको रिकॉग्नाइज भी नहीं करता है, और शायद इसलिए ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। सो ये कंट्री जो है ना, भले ही साइज में छोटी सी है, पर यहाँ पर प्रॉपर इमिग्रेशन होता है, कस्टम्स है, प्रॉपर पासपोर्ट भी साइन होता है। पर इनका कस्टम्स ऑफिस जो है ना, वो कुछ ऐसा दिखता है, सो क्यूट राइट। इस देश को बनाने के पीछे वाले लोग ज्यादातर आर्टिस्ट है, लाइक म्यूजिशियंस, पेंटर्स, स्कल्पटर्स, ग्रफिटी आर्टिस्ट और राइटर्स, पोएट्स, एंड इनकी आर्ट और आर्टिस्टिक लाइफस्टाइल के बारे में आपको धीरे धीरे इस कंट्री को देखकर पता लग जाएगा। इट वॉज फाउंड इन 1997 बाई द रेजिडेंट्स ऑफ द एरिया हु डिक्लेयर्ड द रिपब्लिक ऑफ उजुपिस, अपना खुद का फ्लैग बनाया, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। वैसे तो ये यूरो करेंसी ही यूज करते हैं, पर इनके पास अपनी एक अनऑफिशियल करेंसी भी है, जिसमें आप एक यूरोजाज से एक बियर खरीद सकते हैं। वाओ, मैं तो इसी बात पे सोल्ड हो गई हूँ, आर्टिस्ट, आर्ट और बियर। समझ रहे हो ना? इनके पास एक प्रेसिडेंट है, एक कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स है, एक नेशनल एंथम भी है, पर इनकी आर्मी पता है कितनी बड़ी है? इतनी। इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इट वॉज रिटन बाई टू मेन, रोमास लिलाइकिस एंड टोमास सेपाइटिस, एंड हैविंग फन इज अ पार्ट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन। Sounds like a perfect place, है ना? Oh my God! Wow! ये जगह है वैसे बड़ी ही इंटरेस्टिंग। यहाँ के मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, हाँ हाँ वो भी है इनके पास, वो खुद भी एक राइटर और पोएट है, एंड ही इज ऑल्सो वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स। वो एक इंटरव्यू में बताते हैं कि इट ऑल स्टार्टेड विद अ सिली ड्रीम। तो हुआ यू कि अर्ली 1990s में सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के बाद ये जगह ऐसे ही अबैंडन कर दी गई, क्योंकि ये बहुत ही बुरी हालत में थी पोस्ट कोलैप्स। पर फिर कुछ सालों में लोगों ने यहाँ पर बसना शुरू कर दिया, मोस्टली आर्टिस्ट, बिकॉज यहाँ पर जमीन ऑब्वियसली इसकी ऐसी कंडीशन की वजह से सस्ती थी। इन्हीं लोगों ने यहाँ पर बस कर इस जगह को धीरे धीरे ठीक किया, रहने लायक बनाया, और सिर्फ उतना ही नहीं, इस जगह को इतना खूबसूरत और क्रिएटिव बनाया कि आप खुद ही देख लीजिए। इनके पास अपनी एक नेशनल आर्ट गैलरी है जो आर्टिस्ट को सपोर्ट और प्रमोट करती है। ये जगह लिथुएनिया के आसपास की कई जगहों में से वन ऑफ द पॉशेस्ट प्लेस की कैटेगरी में आती है, कई वेल्दी लोग यहाँ पर आकर बसते हैं। बाकी तो आप फोटोज ही देख लो यार, आई मीन कौन नहीं जाना चाहेगा यहाँ। क्या आप जानते हैं इनका फ्लैग का सिंबल है अ हैंड विद अ होल इन इट, लुक एट इट, एंड यू नो व्हाट इट सिग्निफाइज, इट सिग्निफाइज द इम्पॉसिबिलिटी ऑन होल्डिंग ऑन टू थिंग्स। मतलब आपके हाथ में कुछ नहीं है। वो इतनी वो कंट्री। इनके दो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स है जिनका नाम है एंजल स्क्वायर और तिब्बत स्क्वायर। एंजल स्क्वायर में इनके सारे इवेंट्स और गैदरिंग्स होती है, और तिब्बत स्क्वायर इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर दलाई लामा दो बार आए हैं। क्या आप जानते हैं कि अनलाइक लिथुएनिया, उजुपिस तिब्बत को सपोर्ट करती है। लिथुएनिया अपेरेंटली चाइना से डरती है। पार्लियामेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया, 11 मैन की आर्मी के बारे में बता दिया, अरे हाँ इनका इमिग्रेशन ऑफिस देखा है आपने, दिखाया मैंने आपको नहीं, देखो फिर। ये देखो इनका जो इमिग्रेशन ऑफिस है ना, इट्स ऑल्सो अ सुवेनियर शॉप। क्या क्या हो रहा है भाई यहाँ। इस कंट्री में एंटर करने के लिए 9 रास्ते हैं, एक्चुअली 9 ब्रिजेस हैं, जिनको ओपन करने की जिम्मेदारी रोज यहाँ के मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स का काम है, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर बनाना तो भूल ही गए ये लोग। इनकी एक स्ट्रीट है जिसमें ऑलमोस्ट 20 भाषाओं में स्टील के प्लैक्स पर इनका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, जिसमें संस्कृत और हिंदी भी इंक्लूडेड है।
इनका टोटल पॉपुलेशन है अराउंड 7000 पीपल, जिसमें से करीब 1000 रेजिडेंट्स तो आर्टिस्ट ही हैं, और इनका पोस्ट ऑफिस कुछ ऐसा दिखता है। अब वैसे तो इनका अपना कोई पासपोर्ट नहीं है और करेंसी भी ये यूरो करेंसी ही ऑफिशियली यूज करते हैं, पर यहाँ के जो रेजिडेंट्स है ना, वो अपने आप को रेजिडेंट्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट मानते हैं। बाहर से आने वाले आर्टिस्ट और सभी लोगों का खुले दिल से वेलकम करते हैं। अब कौन नहीं जाना चाहेगा यहाँ पर, आप बताओ। तो अगली बार अगर यूरोप जाओ और लिथुएनिया से गुजर रहे हो ना, तो डोंट फॉरगेट टू विजिट दिस स्मॉल बट अ वंडरफुल कंट्री बाय द नेम ऑफ रिपब्लिक ऑफ उजुपिस। नाम भी कितना क्यूट है ना, उजुपिस। चलो भाई, अब मैं लेती हूँ आपसे विदा। क्यों भाई, अगले हफ्ते के लिए कुछ नई चीज भी तो ढूंढनी है ना आपके लिए। बाय। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।